आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये तो बहुत ही प्यारा सरप्राइज है मिताली, तुम यहाँ आई। ऐसे मैं तुमसे कुछ कहने आई थी, से पहले कि तुम्हें बाहर से पता चले मैं खुद बताना चाहती हूँ। क्या हुआ मिताली, सब ठीक है ना? सब ठीक है। एक्चुअली मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेना चाह रही हूँ। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं नील की जिंदगी का फ्यूचर बन सकती हूँ, बस अब वही होने जा रहा है। नील ने मुझे प्रपोज किया है, हम शादी कर रहे हैं। क्या हुआ अभी? तुम ठीक हो ना? हाँ मिताली, मैं ठीक हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक्चुअली अभी मुझे पता नहीं कि तुम कैसा फील कर रही हो इस वक्त। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट मैं तो तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। यही तो चाहती थी मैं कि नील मूव ऑन हो जाए और उसे एक अच्छी लड़की मिले। तुमसे अच्छी लड़की तो उसे मिल ही नहीं सकती मिताली। थैंक यू सो मच अभी, थैंक यू। अगर तुमने मुझे हौसला नहीं दिया होता ना तो नील के प्रपोजल में हामी कभी नहीं भर पाती मैं। ये फैसला मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से लिया। थैंक यू। मैं दुआ करूंगी मिताली तुम और नील हमेशा खुश रहो। अच्छा मैं चलती हूँ। पता नहीं कहाँ होगा मोगली। रब पे भरोसा कर पुत्र, मिल जाएगा वो। हाँ प्रकाश जी प्लीज, आप ये सोच सोच कर ना अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। छोटा बच्चा है, पता नहीं कहाँ चला गया, और तुम कहते हो कि मैं परेशान भी ना हो। हे भगवान, अपनी को सोचना चाहिए था, बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था। चिल्लू क्या हुआ, मिला मोगली? डैड डोंट वरी, मोगली मिल गया, वो बिल्कुल ठीक है। बचपने में रूठ के चला गया था, घर की याद आ रही थी। लेकिन गया कहाँ था वो? मॉम पास के मंदिर में था। मंदिर में कैसे चला गया? अवनी को उसका ध्यान रखना चाहिए था। डैड प्लीज काम डाउन, मैं दोनों को घर छोड़ के आ रहा हूँ। थैंक गॉड मोगली मिल गया, अंकल आंटी और बेबी बहुत परेशान हो रहे थे। अच्छा चलो अब मैं भी निकलती हूँ, सी बाय। अरे एक मिनट टिल्लू, तूने तो कहा था कि ये हमारे साथ खाना खाएगी आज। या I'm sorry, मैं दिमाग से निकल गया। मिताली मुझे तुमसे शादी और एंगेजमेंट की बात करनी थी। If you're okay with it, हम अभी बात कर लेते हैं। अभी बैठ कर डिस्कस करते हैं। क्यों बेबी? हाँ कर लेते हैं। शुक्र है रब का मोगली मिल तो गया। हाँ बेबी। अरे प्रकाश जी आप क्यों परेशान हो आप? अब तो मिल गया ना हमारा मोगली। मॉम, हाँ? मैं चाहता हूँ शादी और सगाई जितनी जल्दी हो सके हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग सगाई की तारीख डिसाइड कर लेते हैं। जो डिसाइड करेंगे डेट वो ही शुभ दिन होगा और क्या। तुम दोनों श्योर हो? तुमने बिल्कुल सोच लिया है? जी डैड हम बिल्कुल श्योर हैं, सोच लिया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी। मैं चाहती हूँ कि शादी का फंक्शन बहुत छोटा सा हो। आई मीन सिर्फ हमारे क्लोज फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को ही बुलाए हम। ऑफ कोर्स, जो तुम चाहो। तो फिर ठीक है, इस संडे को सगाई कर देते हैं और फिर उस दिन पंडित जी को बुला लेंगे और शादी की तारीख तय कर लेंगे। मिताली कल चल के अपनी रिंग्स डिसाइड कर लेंगे। मिताली, are you sure मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने ना चलूं? Yes, I'm very sure. मैं चली जाऊंगी, तुम आराम करो, okay?
विनील, तुमने अभी से बात की? हमारी शादी के बारे में? इसमें अवनी का कोई लेना देना नहीं है, वो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, और हमारी लाइफ की डिसीजन हम दोनों ले सकते हैं, अवनी की कोई जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ में जो जो लोग इम्पोर्टेंट हैं और जिन जिन लोगों की जरूरत है वो सब लोग जानते हैं, उन सबको पता है, एंड दिस इज ऑल व्हाट मैटर्स। एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तुम्हारा एक रिश्ता था उसके साथ। जो था वो अब नहीं है, ना ही कभी होगा। शायद हमारा रिश्ता कमजोर था, एक दौर की था, टूट गया, और कुछ नहीं। लाइफ से तुम जहां कहीं भी हो ठीक हो। आई विश तुम्हारी आगे की पूरी जिंदगी बहुत खुशी खुशी गुजरे, क्योंकि 10 सालों में मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया है, बहुत दुखी किया है। उसका साथ हमेशा देना भगवान। चिताए अतीत की, पिछले 10 सालों में जो जो दर्द जो सीने में और इस बक्से में दबा के रखा हुआ था, वो दर्द भरा रिश्ता जब खत्म हो चुका है, ये उसकी चिताए। ऐसा ही किया ना, चला दिया सब कुछ, चला दिया। दिल्लू, इतने सालों तक मैंने इन यादों को संजोया है बेटा, वो वापस आई और फिर से चली गई। मैं इन यादों को अपने अतीत से नहीं निकाल पा रही हूं, और तू है कि तू ठीक तो है ना बेटा? तुम मेरी कसम खाई और बताई है, मैं सही कर रहा हूं या गलत? बेटा ये तेरा फैसला है, मैं तो सिर्फ ये देख रही हूं कि तू थम गया है। चलो तुझे कदम बढ़ाना होगा, या तो आगे या तो पीछे। शायद अब सही कह रही है। हम अपनी से बहुत प्यार करते हैं और तू जानता है, हम तो बस पीछे खड़े होकर ये देख रहे हैं कि तुम दोनों के रास्ते एकदम अलग अलग हो गए हैं। तू अब दूसरे इस रास्ते पर चलने लगा है और तुझे अपना हम सफर भी मिल गया है। टिल्लू, तुझे भी हक है कि तू खुश होकर अपनी जिंदगी को जी। जो हो रहा है ना ठीक हो रहा है। 10 सालों में ऐसा लगता है कि मैं एक बंद कमरे में था जिसमें सिर्फ अवनी की यादें थी, कभी किसी चीज को मौका ही नहीं दिया।
इन पास। अब उस बंद कमरे से बाहर निकलकर नई जिंदगी जीने का वक्त आ गया है। नहीं पापा जी, आप प्लीज नील को नहीं बता सकते। मैं नील को बता के मोगली को खोने का खतरा नहीं उठा सकती हूँ। श्वेता जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी कि नील और मिताली की शादी का फैसला क्या ठीक है? बिल्कुल सही है खन्ना साहब, और तीनों के लिए सही है ये। और आप जानते हैं कि अवनी ने अपनी मर्जी जाहिर कर दी है हम सबके सामने। नील और अवनी अपनी अपनी ईगो में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपको क्या पता कि उन दोनों के बीच में क्या है? नील और अवनी को अगर मिलना नहीं होता तो वो दोनों इस तरह से नहीं टकराते थे। उन दोनों का प्यार अभी भी जिंदा है। नहीं है, अवनी और टिल्लू का प्यार एक दूसरे के लिए जिंदा नहीं है खन्ना साहब। श्वेता जी, ये हमारे अपने दिमाग का ख्याल है जबकि हकीकत नहीं है। नील और अवनी के बीच के प्यार की जो अंधे की डोर थी, वो डोर आज भी नील और मेरे प्यार की सिर्फ एक ही निशानी है मेरे पास, मोगली। मैं उसे नहीं खोल सकती, प्लीज। वो डोर टूट चुकी है खन्ना साहब। नील और अवनी दो अलग अलग पतंग हैं, जो आसमान में अलग अलग दिशाओं में उड़े। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? Oh my God, Saisha, it's a dream come true, a real film party. सलमान, शाहरुख, रणवीर सब आएंगे। कभी सोचा नहीं था ना कि ऐसी पार्टी में जाने का इनविटेशन मिलेगा। क्या पहनूं? I need to look my best and a perfect classy person. Okay. Mom, मुझे शिखा दुबे की पार्टी का इनवाइट आया है। I'm so excited. उनकी फिल्म पार्टी है। आप बताइए ना, मैं इन दोनों में से कौन सा ड्रेस पहनूं? First of all, मुझे तुम्हारी मॉम बनने का कोई शौक नहीं है, so stop calling me that. और दूसरी बात, इस इनविटेशन को लेकर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इज्जत के लिए नहीं, मुझे बेइज्जत करने के लिए दिया गया है। शिखा तुम एक चीप गॉसिप मॉन्गर है, तुम्हें दुनिया के सामने परेड कराएगी और कहेगी, मिलिए, ये है कामिनी कपूर की बहू जो एक नाजायज है। सुने, तुम इस पार्टी में बिल्कुल नहीं जा रही हो। आधी इंडस्ट्री को तो पता चल ही गया है कि दी कामिनी कपूर की बहू एक क्रिमिनल की नाजायज औलाद है। क्या चाहती हो? पूरी इंडस्ट्री को इस शेमफुल सच्चाई के बारे में मालूम पड़ जाए? सुनो, प्लीज डू मी अ फेवर, अपने कमरे में बंद ही रहा करो। Forget about going to this stupid party. Jao! वैसे भी अब इस घर में तुम्हारे ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं सायशा। रिटर्न टिकट कटने का वक्त आ गया है। Go back to where you belong. उस अवनी की गरीब ज़नाथ आश्रम में। थैंक यू सो मच, आप हमारे ऑर्फनेज के लिए काम कर रहे हैं। इन मैटर्स में आपकी हेल्प की हमें बहुत जरूरत थी। मैं बस कल से ही ज्वाइन करता हूँ, एंड आई होप कि इन प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छे माँ बाप मिल सके, अच्छी जिंदगी मिल सके। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। अवनी आयशा ने अपने
अनाथ आश्रम के काम के लिए मुझे अपॉइंट किया है। उम्मीद करती हूँ कि तुमने उसका ट्रस्ट पूरी तरह से जीत लिया होगा, और अब जब तुम उसकी पीठ पे छुरा फूकोगे उसे पता भी नहीं चलेगा कि व्हाट हिट हर। अब जैसा डिस्कस किया है वैसा वैसा करते जाओ। गुड लक। मम्मा, मैं आपको मम्मा बुलाऊं? आप मेरी मम्मा हो ना? बुला सकते, लेकिन अकेले। सबके सामने बुलाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना? ठीक है। ये तो बड़ी अच्छी ड्राइंग बनाई है तुमने। वेरी गुड। हाय। इसे तो दुनिया का सबसे क्यूटेस्ट बच्चे का टाइटल मिलना चाहिए। ये तो बहुत ही प्यारा सरप्राइज है मिताली, तुम यहाँ आई। ऐसे मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। इससे पहले कि तुम्हें बाहर से पता चले मैं खुद बताना चाहती हूँ। क्या हुआ मिताली, सब ठीक है ना? सब ठीक है। एक्चुअली मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेना चाह रही हूँ। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं नील की जिंदगी का फ्यूचर बन सकती हूँ, बस अब वही होने जा रहा है। नील ने मुझे प्रपोज किया है, हम शादी कर रहे हैं। क्या हुआ अभी, ठीक हो ना? हाँ मिताली, मैं ठीक हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कंग्रेचुलेशन। एक्चुअली अवनी, मुझे पता नहीं कि तुम कैसा फील कर रही हो इस वक्त। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट मैं तो तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। यही तो चाहती थी मैं कि नील मूव ऑन हो जाए और उसे एक अच्छी लड़की मिले। तुमसे अच्छी लड़की तो उसे मिल ही नहीं सकती मेरे। थैंक यू सो मच अवनी, थैंक यू। अगर तुमने मुझे हौसला नहीं दिया होता ना तो नील के प्रपोजल में हामी कभी नहीं भर पाती मैं। ये फैसला मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से लिया। थैंक यू। मैं दुआ करूंगी मिताली तुम और नील हमेशा खुश रहो। अच्छा मैं चलती हूँ। रिश्ता।